चल चुके हैं यार हम लोग हमारे उड़न कटोले से ऊपर की ओर। भाई की पसंद है ये तो निपटाते सुलझाते हैं। मजल क्राइस्ट चर्च देख सकते हैं नीचे से। अपन आ गए हैं सीधे ऊपर मॉल रोड पे, जिसका जो नंबर है उसका अनाउंसमेंट। और वही ऊपर है जाकू टेम्पल और शिमला की सबसे ऊंची चोटी पे फ्रेंड्स है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी सही होंगे। मैं हूँ शिमला के ओल्ड बस स्टैंड पे, थोड़ा सा आगे जा चुका हूँ। देख सकते हैं यार बहुत सारी अलग अलग होटल्स। शिमला का है ये ओल्ड बस स्टैंड का नज़ारा। थोड़ा सा आगे ही ओल्ड बस स्टैंड है और हम लोग वॉकिंग करते हुए यार आज शिमला का जो साइट सीन है तो यहाँ पे जाकू टेम्पल है उसको कवर करेंगे अपन। हनुमान जी के 101 फीट के यार ऊंचे जो कि शिमला की सबसे टॉप वाली चोटी पे है। चलते हैं देखते हैं कैसे क्या है जाना, तो बने रहे मेरे साथ फ्रेंड। तो फ्रेंड्स हम जो ओल्ड बस स्टैंड से निकले हैं तो ये सीधा जो सर्कुलर रोड है उसको पकड़ना है और अपने को वॉकिंग डिस्टेंस पे चलना है, पहुंचना है माल रोड तक। ऊपर जो ऊपर अपना चर्च है वहाँ से ही रास्ता गया हुआ है और यहाँ से आप देख सकते हैं यार यहाँ का शिमला का शानदार सा नज़ारा फ्रेंड। और वहीं ऊपर है जाकू टेम्पल। हनुमान जी शायद इस कैमरे में दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, सामने हनुमान जी का टेम्पल खड़े हुए हनुमान जी 101 फीट के, तो वहीं चलेंगे वहीं दर्शन करेंगे। हमारे साथ हमारा फ्रेंड भी जा रहे हैं आशीष, जाकू टेम्पल जाना है फ्रेंड्स अपने को और 101 फीट हनुमान जी की खड़ी चढ़ाई है जाना है तो चलेंगे। तैयार हैं आप? बिल्कुल रेडी। तो यार भाई भी रेडी, मैं भी रेडी और जाते हैं हनुमान जी के दर्शन करते हैं। नज़ारा शानदार है, धूप भी है, बादल भी है, ठंडक भी है, पूरा मौसम शानदार वाला हो रहा है यहाँ पे। फ्रेंड्स सर्कुलर रोड है उससे चलते हुए हम लोग आए हैं लिफ्ट में, जहाँ से हम लोग सीधे ऊपर मॉल रोड पे पहुँच जाएंगे। वहीं से जो चर्च है उस चर्च से ही ऊपर की चढ़ाई है जाकू टेम्पल की, तो इसका यूज़ करें। कुछ ऐसा नज़ारा देखें, अभी भीड़ देखें आप लाइन। ये है टिकट काउंटर की लाइन और ये लिफ्ट में बैठने की लाइन, काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई है। टिकट 1 ₹5 का है, टोटल 10 का टिकट। हम लोग भी लाइन में खड़े हुए हैं टिकट लेने के लिए। फ्रेंड्स दो टाइप में जाएगी लिफ्ट, पहली मंजिल पे, फिर सेकंड लिफ्ट बदल के दूसरे फ्लोर पे। मिल गए हैं लिफ्ट में, ऊपर की ओर जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स, अब दूसरी लिफ्ट पकड़नी है तो ऊपर सेकंड फ्लोर के ऊपर जाके सीधे माल रोड पे पहुंचेंगे हम लोग। फ्रेंड्स अपन आ गए हैं सीधे ऊपर मॉल रोड पे और यहाँ से कुछ ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है सीधा चर्च और पूरा रिच मैदान, वहीं से ऊपर चढ़ाई है हाटू टेम्पल की, तो चलते हैं देखें हमारे साथ। ले लिए यार पेस्ट्री मॉल रोड से, लिया है पेस्ट्री और खाते हैं। भाई की पसंद है ये तो निपटाते सुलझाते हैं, मजे लेते हैं। नीचे जस्ट ये मॉल रोड है, इसको भी अपन ने छोड़ा और सीधे एक और शॉर्टकट मारा तो सीधे अपन लोग पहुंच जाएंगे चर्च पे। हम लोग आ गए हैं द रिच और क्राइस्ट चर्च, देख सकते हैं नीचे से चढ़े ऊपर आ गए और सीधे देख रहे होंगे आप, यह है क्राइस्ट चर्च और ये है यहाँ का पूरा रिच मैदान। यहाँ से अब ऊपर जाने के 2-3 रास्ते खुलते हैं, या तो आप लिफ्ट के थ्रू जाएं, या तो पैदल जाएं, या कार टैक्सी लेके भी आप ऊपर जा सकते हैं। सबके अलग अलग चार्जेस हैं तो आप जैसे चाहें वैसे जा सकते हैं। फ्रेंड्स प्लान ऐसा बना है कि यार जाकू टेम्पल कैसे जाया जाए, तो हम लोग जा रहे हैं उड़न खटोले के थ्रू, सीधे लिफ्ट से हम जाएंगे और एक जने का किराया है आने जाने का 550 का फ्रेंड्स। तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर क्योंकि इधर खड़ी चढ़ाई है और टैक्सी वगैरह का भी फेयर है तो वो भी 500 ले रहा है, तो इससे तो अपन उड़न खटोले से जाएं तो काफ़ी इन्जॉय करेंगे। ये टिकट देखें तो केवल जाने का है ऊपर 250 प्लस GST और आना जाना
550 रुपये। वेटिंग लगी हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं और हमारा नंबर आ जाएगा। 47 वाला नंबर मिला है हमको, वेटिंग करना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों को। सब लोग वेटिंग कर रहे हैं और अनाउंस हो रहा है यहाँ पे, जिसका जो नंबर है उसका अनाउंसमेंट होता है। ये टिकट पे हमारा 47 नंबर है, अनाउंस कर रहे हैं, उसके बाद ही जाएंगे हम लोग ऊपर। तो फाइनली फ्रेंड्स ये देखें आप, चल चुके हैं यार हम लोग हमारे उड़न खटोले से ऊपर की ओर। और पूरे उड़न खटोले में 6 जने आते हैं, अपन 6 पर्सन आते हैं। और देखें आप ऊपर की चढ़ाई जो हो रही है, और साथ में हमारे साथ भी हमारे 3 और हेलो और हमारा ब्रदर। शिमला का ऊपर से नजारा दिखेगा आपको अच्छा। फ्रेंड्स निकल गए हैं यार, लिफ्ट से भी उतर गए हैं और मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। मात्र 3 से 4 मिनट में हम लोग आ गए हैं ऊपर सीधे जाखू टेंपल पे। तो देख सकते हैं यार यहाँ का एक शानदार सा नज़ारा फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार है। काफ़ी ठंडक घुल गई है यार, और बड़े बड़े जो ये पेड़ हैं आपके क्रिसमस के देवदार के, काफ़ी सुहावने लग रहे हैं। और ये है जाखू मंदिर हनुमान जी का, तो चलते हैं दर्शन करते हैं। ये है पूरा प्रांगण भगवान जी का, काफी शानदार, अंदर जाके बताता हूँ। भाई बंदरों से यहाँ पे काफी सावधान रहने की जरूरत है, पूरा प्रसाद गिरा दिया, सावधान रहे। ये देखें 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 आप, हमला कर रहा है मंदिर में, सब बंदरों को ही देख रहे हैं। दर्शन हो गए हमारे हनुमान जी के, और यहाँ पे देखेंगे तो आप भव्य हनुमान जी देखें आप। ये देखें ये पूरे 101 फीट के हनुमान जी हैं जो खड़े हैं, और शिमला की सबसे ऊंची चोटी पे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे। मतलब नीचे शिमला से आप देखेंगे तो हनुमान जी शानदार से दिखाई देते हैं, ये देखें। और ये पूरे मंदिर का पूरा प्रांगण काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बंदरों से काफी सावधान रहे, देखो एक महिला का देखो ये ले लिया यार उन्होंने चुन्नी, और यही खींच के भाग गया यार बंदर। अब या तो इनको प्रसाद देंगे तो छोड़ेंगे, या इनका मूड है यार जब छोड़ दें ये, बाकी है कि नहीं यार, क्योंकि पिछली बार भी मैं आया था तो यही ऐसे ही हुआ था भाई, बिल्कुल बिल्कुल, और अभी भी यही हो रहा है। तो थोड़ा सावधान रहे फ्रेंड्स, काफी मजा आया यार दर्शन करने में। और फ्रेंड्स हर किसी को यहाँ पर आना चाहिए, यदि शिमला आ रहे हैं तो जाखू टेम्पल के एक बार दर्शन करना बनता है, अवश्य आए, काफी मजा आएगा।